क्यों आज मेरे पास 4 से 5 गवर्नमेंट जॉब हैं और कैसे ये गवर्नमेंट जॉब मेरे पास आए, कितनी मेहनत करनी पड़ी, बच्चे सब कुछ बात जानते हैं। तो देख, मेरा जो बैकग्राउंड है ना, बहुत बड़ा बैकग्राउंड दोस्तों नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े परिवार से या बहुत मतलब यहाँ पर एक तरीके से पैसे वाले परिवार से मैं नहीं हूँ, आप ही के बीच से मिडिल फैमिली से हूँ। 2014 से मैं दिल्ली में आया, ठीक है। आज मैं अपनी लाइफ की, मैंने कही ना कि मैं आज आपसे ऐसी ऐसी बातें शेयर करूँगा जो मेरे आत्मा के अलावा कोई भी नहीं जानता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे परिवार हो, आप मेरे परिवार की तरह हो, ठीक है। मेरे भाई हो, हमेशा मेरे दोस्त हो, तो आपसे क्या छुपाना। ये 3 बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और ये 3 बातों का मैं आपको एक एक व्याख्या भी करूँगा कि मैंने अपने लाइफ में पोस्टर भी बेचा है, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने रिक्शा भी चलाया है और कहाँ चलाया वो भी बताऊँगा मैं आपको, और कई रात मैं भूखे भी सोया हूँ। ये मेरे जीवन की एक सच्चाई है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, ठीक है। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बता रहे हैं। वक्त है 2014 का, जब हम दिल्ली में आए थे ग्रेजुएशन करने, जब हम 12th में थे और 12th पास आउट करके जब हम दिल्ली में आए थे ना, तब उस समय मेरी जो उम्र थी, अगर हम 2014 की बात करें तो कितने साल हो गए, 18 साल की मेरी उम्र थी। और 18 साल की उम्र में हम जो है वो दिल्ली में आए हुए थे, 1996 का हमारा जन्म है। और 18 साल के दिल्ली में जब हम यहाँ पर आए थे ना, तो उसके बाद से हमने घर से पैसे मंगाने बंद कर दिया, पैसे मंगाने बंद कर दिए, तो पैसे की बड़ी दिक्कत हो गई यार। मतलब ठीक है, कॉलेज की फ़ीस भरना होता था, रूम भी रेंट देना होता था, और दिल्ली में सर्वाइव करना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो एक टाइम ऐसा आया कि 2014 के बाद से जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था, तो वहीं से मैंने ट्यूशंस पढ़ाने शुरू कर दिए, होम ट्यूशन, ठीक है, बच्चों को, 6th के क्लास को, 7th क्लास को, 8th क्लास को। तो मैं ऐसे ही एक जगह ट्यूशन पढ़ा रहा था और कुछ महीने के बाद क्या हुआ कि 2 महीने के बाद जो है, जहां मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था वहां पर जो है वो लोगों को कहीं जाना पड़ा, जिसके चलते मेरा जो है वो ट्यूशन छूट गया। अब ट्यूशन छूट गया तो वैसे हालात आ गए थे कि किराया विराया देना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो वैसे केस में मेरे जो कुछ दोस्तों का समूह था, जो कि शायद अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो उनको ये बात पता भी होगा, तो मेरा एक दोस्त करके था, आशीष करके, उसने कहा कि यार देखो फलाने जगह पर चलना है, 2 घंटे का काम है, गुड़गांव में एक्चुअली जाना था, 2 घंटे का काम है और 2 घंटे में स्कूल का प्रमोशन करना है, उसके लिए तुम्हें वो 400 रुपये देंगे। तो मैंने कहा चल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उनकी कैब आई थी, हम धौलाकुआं मेरा कॉलेज था, वहाँ से जो है कैब में बैठ कर मैं गया गुड़गांव में। और गुड़गांव में जाने के बाद वहाँ पर ये हुआ कि हाँ 2-3 घंटे जो है आराम से एक रिसेप्शन रहेगा, वहाँ पर बैठकर प्रमोशन करना है, और करने के बाद वो 200-300 रुपये 400 रुपये उनकी बात हुई थी कि वो दे देंगे ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं आई, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई, ठीक है। उन्होंने जो कहा था जस्ट उसका डिफरेंट हुआ, वो गाड़ी में बिठाए और गाड़ी में बिठाने के बाद जो है 4 दोस्त थे हम टोटल, उन्होंने 4 अलग अलग चौक पे छोड़ना शुरू किया हमें। मुझे जो है वहीं पर एक इफ्को चौक करके है, मतलब उधर ही साइड में, वहाँ पर मुझे उन्होंने उतार दिया और कहा कि सर आप ये पैम्पलेट पकड़ो, ये पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करो, जो पोस्टर होते हैं ना, जो पर्चे होते हैं, ठीक है, और ये पैम्पलेट आपको लोगों को देना है, और ये फॉर्म है, जो लोग आपसे पैम्पलेट लेंगे या इंटरेस्टेड होंगे ये भरवाने हैं, 50 से ऊपर फॉर्म भरोगे तभी हम आपको पिकअप यहाँ करने आएंगे। मेरी हालत उस समय ऐसे ख़राब हो गई ना कि मेरे मतलब पैर के नीचे से मेरा ज़मीन खसक गया था। मुझे एक पल के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ है तो हुआ क्या है। दिन ऐसे कभी लाइफ में देखे नहीं थे कि पोस्टर बांटने की नौबत आ जाएगी, ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और बुरा तब लगा ना कि जब मैं लोगों के पास जा रहा हूँ पोस्टर लेके, तो अरे भैया टाइम नहीं, हटाओ यार यहाँ से, मत बात करो, क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं, कोई समय पोस्टर लेके आता है, अरे भाई टाइम नहीं यार बाद में। तो कोई जल्दी वो फॉर्म भरने को रेडी नहीं था, और जब तक वो फॉर्म हम नहीं भरते तब तक कोई मुझे पिक करने नहीं आता। मेरे पास उस समय पैसे भी नहीं थे, ना मोबाइल फ़ोन था, चोरी हो गया था कुछ टाइम पहले दिल्ली में आते ही। जैसे तैसे करके लोगों से फॉर्म भरवाए, फॉर्म भरवाने के बाद किसी के नंबर से उनको फ़ोन किया, उन्होंने पिक किया। और एक वो दिन था जब मतलब हम कहते हैं ना कि यार पढ़ाई बहुत मुश्किल है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, मैथ्स है सॉल्व नहीं होता है, जीएस है याद नहीं होती है। उसी दिन मुझे लाइफ में समझ में आ गया था कि इससे मुश्किल तो धरती पे कोई काम है ही नहीं, इससे बेस्ट है, ठीक है, मतलब अगर मैं ये बात बोलूँ, एक तरफ पढ़ाई और एक तरफ पोस्टर बेचना है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे लिए जो है ना, मेरी जो पढ़ाई है ना वो ज़्यादा आसान है, मेरे लिए पोस्टर बेचना काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने अपने लाइफ में कई रात मुझे लगे थे उस चीज़ से मुझे बाहर आने में, तो मैंने अपने लाइफ में पोस्टर भी बेचा। दूसरा इंसिडेंट ऐसा हुआ, 1 साल के बाद जब मैं 2nd ईयर में वापस से था, मेरा पेपर बीत गया था, मुझे रूम चेंज करना था, और रूम चेंज करने के लिए जो है मकान मालिक ने बहुत ज़्यादा तमाशा खड़ा किया हुआ था। हम रूम भी ऐसे लिए हुए थे कि 2000 रुपये हमारा रूम का किराया था, और जिसमें हम 2 लड़के रहते थे, एक मैं था और एक अजय नाम का लड़का था,
भाई है मेरा, वो भी मतलब मेरे गांव का ही था, वो फिजिक्स ऑनर्स वो कर रहा था, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स। तो 2000 रुपये किराए में हम दोनों रहते थे, लेकिन मकान मालिक आए दिन परेशान करना, पढ़ाई में डिस्टर्ब करना, बड़े मुश्किल से करके हम लोगों ने रूम चेंज करने का डिसीजन लिया। लेकिन हमारे पास सामान ले जाने के लिए भी जो है वो रिक्शा विक्शा कुछ भी नहीं था। तो पास में ही हम शाम को सब्जी लेने जाते थे, तो एक सब्जी वाले से थोड़ी सी अच्छी पहचान हो गई थी, क्योंकि हम भी बिहार के थे, वो भी बिहार के थे, तो बातों बातों में। तो जस्ट हमारे रूम के सामने ही उनका ठेला रखा हुआ था, तो हमने कहा कि भैया देखो पैसे तो है नहीं, थोड़े बहुत आप 150 रुपये ले लेना, क्योंकि 400-500 रुपये ले रहे थे शिफ्ट करने के लिए ऑटो और रिक्शे वाले। मैंने कहा भैया 150 रुपये दे देंगे, रिक्शा हम लोग खुद ही चला लेंगे, सामान हम लोग खुद ही रख लेंगे, हम लोग रूम पे पहुंचा देंगे, बस आपका रिक्शा आधे घंटे के लिए चाहिए। मेरे दोस्त ने सामान पूरा का पूरा रिक्शे पे रखा और मैंने 3 चक्कर पूरे के पूरे रिक्शे में अपने गली में चलाया, दिल्ली में ही जिस एरिया में रहता था। खुद भी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, तो रुमाल बांधकर भी जो है वो भी चलाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, होगा लाइफ में, जो भी होगा ऊपर वाला देख रहा है, कुछ होगा अच्छा तो कभी डिस्कस किया जाएगा, कुछ भी है ठीक है। जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन का समय बिताया ठीक है, और अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, 90% ग्रेजुएशन में मेरे मार्क्स भी आए। काफ़ी दोस्त जो है वो आगे बढ़ते चले गए और पीछे छोड़ते चले गए, कोई दिख नहीं हुआ उस बात का, लेकिन हाँ अपनी मेहनत पर एक था कि करेंगे लाइफ में कुछ आगे करेंगे। तो जब मैं ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में जब मैं आया ना, तो मैं अलग अलग कोचिंग्स के इंस्टीट्यूट्स में मैं पोस्टर्स देखता था, अच्छा ये ऑल इंडिया रैंक 1 है, अच्छा ये ऑल इंडिया रैंक 2 है, इन्होंने CGL में स्कोर किया है, इन्होंने जो है UPSC में ऑल इंडिया रैंक मारा है। तो उसी के अंदर से है ना मेरे अंदर एक मोटिवेशन आना शुरू हो गया कि यार अगर ये पोस्टर्स में है ना, मैं भी ऐसा काम करूंगा कि मैं भी ज़रूर पोस्टर में आऊंगा ठीक है, और मेरे भी पोस्टर्स लगेंगे, मेरा भी नाम हर जगह पर होगा, उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद एक कमरा लिया यहीं पर, वज़ीराबाद है दिल्ली में एक जगह, और वहीं पर रहने लगा मैं रूम वूम लेने के बाद, काफ़ी पीछे एरिया में, क्योंकि फ्रंट में गलीज में काफ़ी महंगा पड़ता है, खुद से खाना बनाया, खुद से रहा, लाइब्रेरी ज्वाइन की, वापस वहीं से होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिए। होम ट्यूशन अगर नहीं पढ़ाता तो रूम का किराया भी नहीं दे पाता ठीक है, और भी काफ़ी बुरे बुरे वक्त आए। फिर उसके बाद लॉकडाउन आया, वापस से सारे के सारे सिचुएशंस ख़राब, लेकिन ये रहा कि हाँ मुझे जो पाना है ना, मेरे हमेशा नींद में मुझे वो दिखता था ठीक है, मैं जो वोकैबुलरी याद करता था ना, तो सोने के बाद भी मेरे मन में वो वोकैब वो रिवाइज होते थे ठीक है। कई ऐसी रातें आ गई थी ना जहाँ पर लॉकडाउन में जेब में पैसे नहीं होने के कारण भूखे भी सोना पड़ा है आदमी को, मतलब ठीक है आज पैसे नहीं है कोई बात नहीं, पानी पी के सो लेते हैं, करवट बदलने पर भी एक तरीके से पेट दुखता था कि यार पेट दुख रहा है, इधर से करवट ले रहे हैं तो पेट दुख रहा है ठीक है, सीधा सोने पे पेट दुखता था तो उल्टा सो जाते थे कि चलो ऐसे पेट नहीं दुखेगा ठीक है, सुबह की बात है, कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ऐसे ऐसे वक्त मैंने अपने इस दिल्ली में बिताए हैं ठीक है, ऐसे ऐसे वक्त पिछले 3 सालों के अंदर जो है मैंने देखा है अपना, मतलब एक एक सिचुएशन मैंने अपने लाइफ में देखी है, और उस सिचुएशन से मुझे इतना मोटिवेट किया है ना, इतना मोटिवेट किया है कि आज उसी का नतीजा है कि बैक टू बैक मेरे पास 5 सरकारी नौकरियां है, और मैं चाहूँ तो जो ले सकता हूँ। मैं एक इंस्पेक्टर भी हूँ ऑलरेडी, CGL 2019 से एक्साइज इंस्पेक्टर भी हूँ ठीक है, CHSL में मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 भी है, आप लोगों के आशीर्वाद से एक वेल एजुकेशन चैनल पर ठीक है, बहुत अच्छे परिवार में एक बहुत अच्छा एक टीचर भी बन चुका हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है ठीक है, बस आप लोगों की जो है वो हमेशा भलाई के लिए सोचते रहता हूँ ठीक है। तो इसलिए मैंने हमेशा इस चीज़ पे फोकस की। दूसरी बात, बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आप इतना पढ़ाते हो, कभी आप अपने लुक्स पर ध्यान नहीं देते, कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, कभी कैसे ही बाल रहता है चले आते हो। हमेशा एक बात को मेरे भाई ध्यान रखना कि जो आपके अंदर की ऐब है ना, अपने आप को इतना कामयाब बना लो, एक शब्द बोलूँगा ध्यान रखना, अपने आप को इतना कामयाब बना लो ना कि जो आपके अंदर की जो ऐब है ना, वो भी समय आने पे आपकी स्टाइल बन जाए। समझ में आ रहा है बात, मैं जो बोलूँगा बड़े ध्यान से समझना, आपके अंदर की जो एक ऐब है, ऐब क्या बोलते हैं, ऐब उसको बोलते हैं जो आपके अंदर की कमी है ना ठीक है, समय आने पर वो भी स्टाइल बन जाए। यानी अगर आप धोती पर भी अगर पहनते आए हैं, आपके पास पैसे नहीं थे कभी जीन्स या शर्ट पहनने की, अगर आप धोती पे थे तो वक्त को ऐसा बदल के रख दो कि वो धोती जो है ना वो एक समय का ट्रेंड बन जाए ठीक है। तो मेरी सिंप्लिसिटी ही मेरा ट्रेंड बनेगा एक दिन, ये मुझे पता है ठीक है, बस वो मेहनत है जो उस कदम पर लेकर आएगा। आपको भी इसी तरीके से मेहनत करते रहना है। बहुत बड़े बड़े यार नहीं होते भाई, जितने भी ये टॉपर्स होते हैं ना, शायद ही उनके 10% ऐसे होते होंगे जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होते होंगे
ठीक है। 90% सिचुएशंस वैसे ही लोगों की होती है, सबके सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी फैमिली से कोई नहीं होता यहाँ पे। अगर उतने बड़ी फैमिली से होते तो यार हम IIT करते, ठीक है, हम MBA करते, हम यहाँ पर मेडिकल की तैयारी करते, हम सरकारी नौकरी की तैयारी थोड़ी करने आते हैं। हमें पता है कि हमारे पीठ पीछे हमारे परिवार के पास कुछ भी नहीं है, उतने पैसे होते तो वह तैयारी करवाते नहीं है, तभी तो हमें आगे इस जंग में आके लड़ना है और अपने लिए भी लड़ना है और अपने आने वाले जो है एक तरीके से जनरेशन्स के लिए भी लड़ना है। तो ये अपने मन में एक ठानो, एक मोटिवेशन रखो, पॉजिटिव मोटिवेशन रखो, मेहनत करो। आपके मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता इस धरती पे, और मैंने खुद पर्सनली अपने लाइफ में देखा है कि मेहनत का जीवन में कोई तोड़ नहीं है। जिसने मेहनत की है वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ता गया है, ठीक है, और वो हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस मेरी है ना, आप कभी ये मत सोचना कि सर जो है बहुत शुरू से हाई फाई थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, बहुत हाई बैकग्राउंड थे, हमारा ही बैकग्राउंड लो है। मैं बच्चों से आज बात करता हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो खेतों में अभी भी काम करते हैं, खेती भी करवाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो दिल्ली में बस में कंडक्टर भी एक स्टूडेंट, ठीक है, और फिर भी उस बार इसके CGL में भी काफ़ी अच्छे नंबर है, CHSL में भी। तो सबका ऑलमोस्ट पैटर्न इतना ही होता है मेरे भाई। बस मैं बोलूँगा कि वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब हैं जिनके पास रोटी आ रही है और जिनके पास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को मुझे जहाँ तक लगता है भाई जान लगा दो, ठीक है, कम से कम वो हाथ में स्मार्टफोन तो है, कम से कम फैसिलिटीज़ तो घर वालों ने दे रखी है, ठीक है। सोचो उनका जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो एक से एक रैंक फोड़ रहे हैं और एक से एक नौकरी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, भगवान न करे कभी किसी के जीवन में ऐसी नौबत आए, ठीक है, हमारे में आई चलो हमने सह लिया, किसी और में आए तो पता नहीं कोई सह भी पाए या नहीं सह पाए। लेकिन बस आपको है ना, ऐसे ही जो भी लिस्ट खोलो ना, आज मुझे पता होता है कि मैं भारत का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दूंगा ना, उसके सिलेक्शन के फाइनल लिस्ट में मेरा नाम होगा, क्योंकि मैंने ईमानदारी से मेहनत की है, मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, मैंने हर सब्जेक्ट को बड़े डेप्थ में पढ़ा हुआ है, हर सब्जेक्ट का बड़ा प्रॉपर नॉलेज रखा हुआ है, इसलिए मुझे पता होता है, ठीक है। ये इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, लेकिन इसको आत्मविश्वास ज़रूर कहेंगे कि मैं भारत का आज कोई भी एग्ज़ाम देने बैठूँ, अगर मैं UPSC का भी एग्ज़ाम देने बैठूँ और ढंग से मेहनत कर लूँ ना, तो उसके भी सिलेक्शन में मेरा लिस्ट में नाम ज़रूर होगा। नो मैटर पोस्ट क्या होगी, नो मैटर रैंक क्या होगा, हाँ मैं सिलेक्शन में ज़रूर रहूँगा। लेकिन आज अगर मैं वो अपने कीमती समय छोड़कर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ का जो एक सपना था मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। और सपना ये था कि मैं गरीबी में रह चुका हूँ, मैं मुश्किलों में रह चुका हूँ, बस मेरा कोई भाई या मेरा कोई भी दोस्त यहाँ पर वैसे हालात में ना रहे। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको गाइड करने के लिए आपका बड़ा भाई आदित्य रंजन यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है। मेरे लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी, सही कंटेंट काफ़ी मुश्किल था, सही सोर्सेस काफ़ी मुश्किल थे, जहाँ भी था वहाँ पैसे 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 का ही खेल होता था। लेकिन आपके लिए कभी मैं ऐसे हालात आने नहीं दूंगा कि आपके लिए जो है पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब पैसे नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाओगे, कभी ऐसा सिचुएशन होगा नहीं, ठीक है। तो बस आप मेहनत करते रहो, आपका भी आएगा यार। और ऐसे मैं रिजल्ट देखता भी नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ मेरे पास 5 जॉब्स हैं बट मैं किसी का रिजल्ट देखता नहीं, क्योंकि मुझे पता है हर पेपर में मेरा नाम होना ही होना है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने उसके पीछे की ये मेहनत की है, और जो मैंने ये मेहनत की है ना, तो इसी वजह से मुझे कंफर्मेशन होती है कि साला कोई भी लिस्ट हो ना, कोई भी लिस्ट हो जो मैं पेपर देने बैठ रहा हूँ, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CPO हो, कोई भी पेपर हो ना, उसमें मेरा नाम आदित्य रंजन जरूर मिलेगा, कैटेगरी 6 ज़रूर मिलेगी, ये बात तय है, ठीक है। क्वेश्चन का एक प्यारा क्वेश्चन है, और एक और बात बता दे, वो जो 400 रुपये मुझे 2 दिहाड़ी के मिले थे ना, जो ये मुझे पोस्टर बांटने के मिले थे, मैंने आज तक यहाँ पर ये जो मुझे पोस्टर बेचने के जो मुझे 400 रुपये मिले थे ना, मैंने इसको लाइफ में आज तक संभाल के रखा है एक लिफाफे में अपने ट्रॉली बैग में, कि जब जब है ना, जैसा भी सिचुएशन आए, जब जब मैं अपने लाइफ में ऊपर जाते रहूँ ना, मैं उसको देखते रहूँ कि देख तू उठा कहाँ से है। और कभी इस 400 रुपये को भूलना मत कि ये मिले कैसे थे, किस हालात में मिले थे और कितनी मेहनत करने पे मिले थे। वो आज भी पैसे मेरे पास हैं और वो आजीवन मेरे पास रहेंगे, वो मेरे साथ ही जाना होगा तो जाएंगे, ठीक है, वो हमेशा मोटिवेशन देते रहते हैं बस। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो।